बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, सबको मन करता है ठंडा दही वड़ा खाना। अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, इफ्तार में ठंडा दही वड़ा बनाएंगे तो रोज़दार भी खुश हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी घर पर दही वड़ा कैसे बनाते हैं। ये दही वड़ा इतना सॉफ्ट बनता है, इसके साथ मैं आपको दो चटनियाँ भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं घर पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप उड़द की दाल, जो 5 घंटे पहले मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। आप उड़द की दाल की जगह मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए सारी दाल मैंने पीस लिया है। अब ये दाल को 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम चटनियाँ बना लेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप कच्चे खजूर लिया है। इसके अंदर के बीन्स हटा लिया मैंने, ये देखिए अच्छे से धो लिया है मैंने खजूर को। इसको डाल देंगे कुकर में, इसको खुला खुला कर लेंगे। 1 कप खजूर के लिए मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर हम 2 सीटी होने देंगे। आप कुकर की बजाय इसको खुले पतीले में बना सकते हैं, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। ये देखिए 2 सीटी हो गई है। अब गैस को बंद करेंगे। ये देखिए कुकर ढक्कन हटा दिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसको साइड में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए खजूर ठंडा हो चुका है। अब मिक्सर ग्राइंडर लेकर इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब मैंने इसको पीस लिया है। अभी आपको इसका कलर अलग लग रहा होगा, जैसे हम पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसे छन्नी में छानेंगे ताकि जो भी रेशे होंगे निकल जाएंगे। अब सारा पेस्ट छान लिया मैंने। अभी आपको पतला लग रहा होगा, जैसे ही पकेगा तो गाढ़ा होने लगेगा। अब इसे एक पतीले में डाल देंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको गैस पर रखना है हमें, 10-15 मिनट तक रखेंगे धीमी आंच पर। जैसे ही पकने लगेगा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 15 मिनट बाद कितना गाढ़ा हुआ है। अब गैस को बंद करेंगे। ये देखिए खजूर की मीठी चटनी तैयार है। आप इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा है देखिए। एकदम क्रीमी क्रीमी बनी है चटनी, ये देखिए। अब हम बनाएंगे तीखी चटनी। तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया, पुदीना, 4-5 लहसुन की कलियां हैं, 10-15 हरी मिर्च, 1/2 नींबू और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाल देना, क्योंकि दही वड़े पर तीखी चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। इसमें थोड़ा पानी डाल देना, ज़्यादा मत डालना पानी। इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए तीखी चटनी भी तैयार हो गई है। अब वड़े बना लेते हैं। अच्छे से फेटेंगे दाल को, इसमें नमक नहीं डालना है। हमें वड़े छोटे बनाना है क्योंकि पानी में डालते ही और डबल हो जाएंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके वड़े छोड़ेंगे।
हमें वड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ऐसे सारे वड़े तल लूँगी मैं। अब सारे वड़े तल लिया मैंने, अब इसे पानी में डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। अब इस पानी में हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हींग का पाउडर डालेंगे। हींग का पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सारे वड़े इसमें डाल देंगे पानी में। वड़े को अच्छे से पानी में डुबाएंगे। अब इसको ढककर 10-15 मिनट तक फूलने के लिए रख देंगे। वड़े फूलने तक हम दही फेंट लेते हैं। यहाँ पे 1 लीटर दही लिया है मैंने, 100 ग्राम शक्कर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। एकदम ठंडी वाली दही है, फ्रिज में रख दिया था मैंने दही। हमें मलाई वाली दही लेना है, खट्टी दही नहीं लेना है हमें। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब वड़े को चेक करते हैं। ये देखिए वड़े कितने फूल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब सर्व करते हैं। तो हल्के हाथों से दबाना है वरना टूटने लगेंगे वड़े। अब सर्व करेंगे। आपको जितने वड़े चाहिए उतने रख लीजिए। अब वड़े पर ठंडी दही डालेंगे। हरी चटनी डाल देंगे। मीठी चटनी डालेंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो चटनी उतनी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये भी डाल देंगे। ये बेसन का शेव है, ये भी डाल देंगे। ये तेज बूंदी है। शेव और बूंदी आपको आसानी से कहीं भी हलवाई की दुकान में मिल जाएगा। हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ। आप इसके ऊपर अनार के दाने भी डाल सकते हैं। अब दही वड़ा तैयार है। इफ्तार टाइम पर ठंडा ठंडा दही वड़ा सर्व कीजिए। ठंडा दही वड़ा खाकर रोज़दार भी खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। मिलती है अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।